एडी का चोट फेट मारी, माँ का मारी, भाई का मारिया, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखो, ये मेरे पिताजी हैं, ये ताई जी है, ये भाई है, नौ बंदे जी ने। अच्छा जी, हाँ जी, इन्हें दो तीन महीने पहले हमारा चोटा फेटा मारी, यहाँ वीडियो सामने सामने दस आदमी थे मौके पर, झूठा पर्चा मेरे खिलाफ दर्ज करवा रखे 23/24 का जी ने। क्या कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है? कोर्ट की ऑर्डर नहीं पढ़ने के जनाब है, हमने अपने वकील साहब के तो बात करी। बतक्का मारी हो रही जी। इसी रास्ते से शमशान घाट में जाते थे, तो जो भी लोग जाते थे अब उनका भी ये रास्ता वहाँ पर जाने के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि शमशान घाट में जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता गांव भील छप्पर में नहीं है, क्योंकि अपने पशुओं के लिए जो घास लेने के लिए जाते थे लोग वो भी यहीं से जाते थे, तो वो कनेक्टिविटी जो है आज इन पाइपों के पटने से बंद हो जाएगी। आज गाँव भील छप्पर खंड बिलासपुर में दो पक्षों के बीच चल रहे पंचायती रास्ते जमीन को लेकर विवाद होते होते बचा। बताया जा रहा है कि यह मामला कोर्ट में विचाराधीन चल रहा है और आप प्रशासन के द्वारा आज लाइव कार्रवाई होते हुए देख सकते हैं क्या कुछ मामला है। यहां पर मौजूद अधिकारियों से व गांव के सरपंच से बात करने की कोशिश कर लेते हैं। दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा, खबर को ज़्यादा शेयर करें और चैनल प्रीति नेह चल को सब्सक्राइब कर बेल आल जरूर प्रेस कर लें, और यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो वहाँ पर हमें फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दर्शकों, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ मामला, क्या कुछ कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर इसके बारे में? BDPO साहब का आदेश थे, इनके कोर्ट के आदेश हैं इनके पास, हम तो एज ए ड्यूटी मजिस्ट्रेट हैं, तो ये पाइप उखड़वाए हैं और सेक्रेटरी साहब ने इसका कब्जा लिया है जी। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कुछ मामला है और क्या कुछ यहाँ पर प्रशासन की जो है जो उपस्थिति में जो है यहाँ पर जो है कार्रवाई हुई है, क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे सर इसके बारे में? आज प्रशासन के माध्यम से गाँव भील छप्पर के अंदर जो है एक पंचायती नाला खाड़ा नाला के अंदर पाइप दबे थे जो कृष्णाल के द्वारा दबाए गए थे, और राजकुमार राणा जो पूर्व सरपंच भील छप्पर, कुलदीप सिंह उनके भाई जो हैं, छोटे भाई हैं उनके, वो काफ़ी दिन से जो है इस मुद्दे के ऊपर दरखास्तें दे रहे थे प्रशासन को, तो आखिरकार प्रशासन ने जो है एक ऑर्डर निकाले जिसमें तहसीलदार साहब, ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद थे, प्रशासन मौजूद था, एक्सेक्टिव साहब और मौजूदा पंचायत, उसमें जो है पाइपों को उखाड़ दिया गया है। नफे नुकसान की ये बात है कि यहाँ पर एक शमशान घाट जो कैमी में बना हुआ है, कुछ लोग इसी रास्ते से शमशान घाट में जाते थे, तो जो भी लोग जाते थे अब उनका भी ये रास्ता वहाँ पर जाने के लिए बंद हो चुका है, क्योंकि शमशान घाट में जाने के लिए इसके अलावा कोई रास्ता गाँव भील छप्पर में नहीं है, शमशान घाट कायम है लेकिन कैमी में भी कोई भी रास्ता नहीं है। तो नुकसान तो की बात करें तो तकरीबन नुकसान तो है ही पब्लिक को, क्योंकि अपने पशुओं के लिए जो घास लेने के लिए जाते थे लोग वो भी यहीं से जाते थे, तो वो कनेक्टिविटी जो है आज इन पाइपों के पटने से बंद हो जाएगी। तो सर, जैसे कि मान के चलो अगर ये भी बात जो है कभी पंचायत में सुलझने की कभी बात नहीं हुई सर, इसमें क्या कुछ रहा था? सुलझाने की बात तो पिछले 5 साल से कर रहे हैं, पूरा गाँव इस कोशिश में लगा हुआ है कि किसी तरह जो है ये मुद्दा सुलझे, और यहाँ तक कि पूरे गाँव ने एक फैसला किया था मौजूदा पंचायत ने, पिछली पंचायत ने, कि गांव से कुछ पैसे इकट्ठे करके 5-7 लाख रुपए जो है वो भी दे दिए जाएं, लेकिन वो भी तकरीबन जो है फेल रही बात, उसमें भी कोई नतीजा नहीं निकला, और जिसकी वजह से आज जो है यहां तक बात ये पहुंची है। सर, बताया जा रहा है कि ये कोर्ट केस है, मतलब कि पहले से कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है यहाँ पर ये प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है, इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, कोर्ट केस काफ़ी दिन से चला हुआ है, और लेकिन कोर्ट केस में जो प्रशासनिक बात आई थी ये पता लगा था कि उसमें कोर्ट के द्वारा कोई स्टे नहीं की गई है, तो जब प्रशासन को इस बात का पता लग गया तो उन्होंने जो है उस मुद्दे उसको मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया है कि इनको हटा दिया जाए, ये क्रैचमेंट मानी गई है, क्योंकि विपक्षी जो है, जो दूसरा पक्ष है, वो बार बार इसकी चीज़ के लिए दरख्वास्तें दे रहा है कि मेरे खेतों का नुकसान लगातार 3-4 साल से हो रहा है, और जिसकी भरपाई के लिए उन्होंने DC साहब को भी एक एप्लीकेशन दे दी थी कि मेरे जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई पंचायत के द्वारा की जाए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? कृष्णलाल जी। ये जो विवाद यहाँ पर चल रहा है और विवाद के चलते यहाँ पर प्रशासन को पहुँचना पड़ा है यहाँ पर, क्या कुछ मामले की जानकारी देना चाहेंगे आप इसके बारे में? जनाब, ऐसा हुआ था, इसमें 2 साल पहले पटली बांध पर साइड में अपनी खेत का रास्ता नहीं है, मेरे पाइप दुआई राजकुमार के टाइम में
मेरे नंबर में पैप थे जी ने हद हद बिस्मत है तो उसमें ऐसा अजी वीडियो साहब मौका देखना पट्टी रिजेक्ट कर दी इनकी। दूसरी पार्टी कौन सी है जी, क्या नाम है? राजकुमार जगोपाल अजीत सिंह ने 9 बंदे जी ने। अच्छा जी। हाँ जी, इन्हें 2-3 महीने पहले हमारा झूठा फिट्टा मारी यहाँ वीडियो सामने सामने दस आदमी थे मौके पर झूठा पर्चा मारे खिलाफ दर्ज करवा रखे 23/24 का जी ने। क्या कुछ कोर्ट में मामला चल रहा है? कोर्ट के ऑर्डर नहीं पढ़ने के जनाब है, हमने अपने वकील साहब के साथ बात करी जी। तो आज क्यों यहाँ पर प्रशासन आया फिर, ये कैसे बदक्का मारी हो रही जी? क्या कुछ कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन जो ऊपर, जो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार पर तो जो हमारी वकील है अपना डॉक्यूमेंट लगाएगी अपने आप ही खिलाफ हमारे खिलाफ इन लोगों ने यही नहीं पापा की पीछा 12-3 महीने हमारे सिर पड़े मेरे लड़के गणे तोड़ रखे ने। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपके साथ जो है अमानवीय घटना हो रही है? हाँ जी, धक्का मारी हो रही जी, गलत हो रहा है। हाँ बिल्कुल गलत हो रहा है, इनकी जमीन का रास्ता नहीं है जनाब, मेन गाड़ी हो रही है। तो यहाँ से रास्ता निकाला जा रहा है? मन्ने एग्रीमेंट लिखा दे रखा जी, सारा कुछ चल रहा, सिर्फ ने दो कर रहे हैं जी, राजकुमार और जगोपाल। सर नाम मेरा गुरमीत है, यहाँ पर 2 महीने पहले भी यहीं पे ये राजकुमार जी, कुलदीप, जयगोपाल, ये जीत और उसके लड़के भतीजे यहाँ पर आए थे, जो सेक्रेटरी साहब भी था, बीडीओ भी थे, ये मौका दिखाने आए थे, सरपंच भी यहीं था। तो उन्होंने आंधी कुछ नहीं और कुछ नहीं, डैडी का चोट फेट मारी, माँ का मारी, भाई का मारिया, उसमें ये वीडियो भी है मौके पे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखो, ये मेरे पिताजी हैं, ये ताई जी है, ये भाई है, ये इन्होंने चोट लगाई हुई है। और जिस टाइम भी मतलब भी ये है जयगोपाल, कुलदीप, जिस टाइम में मैं वीडियो भी लगे बनाना, इन्होंने अपने जो सामान हाथ में था उन्होंने फेंक दिया, दूर फेंक दिया था। हाँ, ये कोर्ट में इसकी डाउनलोड चिप करके दी हुई है। हाँ जी, 2 महीने पहले जो प्रशासनिक कार्रवाई चल रही है, किससे आप ये कह रहे अभी कोर्ट के आदेश हैं, कोर्ट कह रहे अभी आदेश हुए नहीं, अभी आगे देखते हैं अभी क्या होगा ये। हाँ जी, शमशान भूमि का जो रास्ता है हमने दे रखा है, लिख के भी दे रखा है, ठीक है। और यहाँ नो इसी का ही जो कुलदीप है, इसका भाई पहला, इसका पिताजी, वो भी यहीं इसी रास्ते को ही जाकर शमशान घाट में गया हुआ है, वहाँ पे इन्होंने कहीं बोले अभी यहाँ शमशान घाट है नहीं है, आप देख सका अगला रास्ता भी अभी ही पाट दिया है इन्होंने, चाहे पंचायत का है जो भी है हमारा है, इस टाइम तो हमारा है। कुल मिलाकर जो गांव वासियों का यहाँ पर जो शमशान भूमि का रास्ता था वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका था। हाँ, ये शमशान भूमि का रास्ता यही था, एक और कोई रास्ता नहीं था, यही था जो भी था। ये माता पे है मान सिंह नंबरदार जी हैं जो उनके वहाँ से है, वहाँ बोल रहे अभी 1 करोड़ में रास्ता नहीं बनता, हमने इन्हें लिख कर दे दिया था, अपने चाचा जी हैं विनोद कुमार, इनके नाम कोर्ट केस चल रहा है, इन्हें मांगा था भी रास्ता भी शमशान भूमि का रास्ता नहीं है, हमको रास्ता दिया जाए, हमने लिख कर दे दिया, 3-4 साल हो गए, पहले भी लिख कर दे दिया। और ये पाइप राजकुमार जो है सरपंच था, इन्हें नहीं दबवाए हुए थे यहाँ पे, ये पाइप भी नहीं के दबवाए थे जो पटवा रहे आप। अब ये जो पाइप निकालने से अब फायदा किसको होगा इसमें? पर राजकुमार जी कह रहे भी मेरा पानी नहीं निकलता, कोई बात नहीं आप पानी निकाल लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, निकासी नहीं है पानी की, पानी अब ये पाइप जो पट गया इनका देख लेते हैं पानी निकले या नहीं, जो पीछे रैंप बना रखे हैं ऐसे हम बना लेंगे आगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो दर्शकों कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रियाएं देना बिल्कुल भी ना भूलें, और खबर को ज्यादा शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, बिल छप्पर बिलासपुर।